हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया है, इसका चैप्टर मैं फर्स्ट बताने वाला हूं। और इस चैप्टर फर्स्ट में जितने सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वो भी एनसीईआरटी वाला सवाल जो है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अगर तैयारी करो तो इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो याद होना चाहिए। एंड ये सब सवाल जो है दो नंबर वाला सवाल है, ठीक है ना। तो डोंट स्किप, इस वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ना मत, अब पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो कॉपी पे छाप लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटा वाला बटन दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी यूज करते हो, यहाँ पे आईडी दिया हुआ, आप इसको इससे मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, वायु में जब हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो उसको पहले रगड़ के साफ करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा साहब? देखिए, एक्चुअली होता है क्या ना, मैग्नीशियम रिबन जो है ना, अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे तो वो हवा से संपर्क में आता है और उस पर जो ऑक्साइड का परत जम जाता है। अब उसको जलाएंगे तो जलेगा नहीं जल्दी से, तो उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि वायु के संपर्क में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सतह जम जाता है, सतह पर जमा आता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जम जाता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, वो कहां पे जम जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। अब जम जाता है तो जलाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। सैंड पेपर कहते हैं ना, जो जंग वगैरह छोड़ाने के लिए होता है ना, हार्ड वाला पेपर होता है, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। उसको रगड़ के साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर पाए और वो जल पाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस वीडियो में आपको इस सवाल का इंग्लिश में भी जवाब मिलेगा। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो भी सवाल को देख लीजिए, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, लाइक करना वीडियो, मजा आया, नीचे कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल क्या बोलता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए ध्यान से देखिए। और अक्सर एनसीईआरटी वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, ओके, एनसीईआरटी वाला ज्यादा सवाल पूछता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग, जो कॉपर सल्फेट है ना विलयन का रंग, वो बदल कर फेरस सल्फेट यानी कि हरा रंग हो जाता है। तो पहले विलयन का मतलब कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, रंग नीला रंग था, और नीला जो बदल के क्या हो गया, हरा हो गया। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। लोहा जो है कॉपर से अधिक रिएक्टिव धातु है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव धातु है। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटा देता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड, इसको लोहा सल्फाइड भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन डुबाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, बदल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछा जाता है कि एक विलयन है उसमें लोहा डुबा दिए और लोहा जैसे ही डुबाए उसका कलर जो है हरा हो गया, तो बताइए विलयन क्या था। तो ऑब्जेक्टिव बनता है विलयन कॉपर सल्फेट था, क्योंकि कॉपर सल्फेट नीला कलर था और उसमें हम जब लोहा डुबाए, एक कांटे का कील डुबा दिया तो फेरस था, वो लोहा था, तो क्या बन गया, लोहा जो है कॉपर को हटा दिया, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है ना। सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए, इंग्लिश वाले यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाक सा, ओके, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता दिया आपको, बाकी आप समझ लीजिएगा, मैंने तो हिंदी में समझा दिया। देखिए क्या बोलता है तीसरा सवाल, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ये भी सवाल पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका करना संतुलित करना क्यों जरूरी आवश्यक है। देखिए, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब दोनों तरफ जो है ना, इधर अभिकारक होता है, इधर प्रतिफल होता है ना जी। तो जो अभिकारक जो रिएक्टेंट करता है, जो रिएक्शन करता है और जाके क्या बनता है, प्रतिफल बनता है। तो जो रिएक्शन होता है, जो अभिकारक है, उसकी उसके सभी तत्वों की परमाणु संख्या, और जो उत्पाद बना उसके सभी तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताऊँ, मैग्नीशियम में कितना, दो है बाएं तरफ और ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पे जो बना, तो देखिए दो यहाँ पे लिखने से क्या होगा, मैग्नीशियम भी दो गया और ऑक्सीजन भी दो गया। अब सवाल पूछा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए,
क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह तभी संभव है जब अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो। ऐसा कब होगा, जब कोई तत्व का निर्माण नहीं होगा ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, ये ऐसा कब होगा, जब अभिकारक और प्रतिफल के सभी परमाणुओं के तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, तभी ऐसा हो पाएगा, है ना। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, एकदम आपको नंबर मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। इंग्लिश वाले बच्चे इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट कर दिया अच्छी तरीके से, ओके, आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, चौथा सवाल, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। बहुत बार सवाल पूछा सवाल में, ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आता है कि इनमें से कौन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इनमें से कौन है, या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, या तो उसका डेफिनेशन पूछता डायरेक्ट कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उष्मा का निष्कर्षण होता है उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ओके। तो ऐसे पूछा गया यहाँ पे, दोनों पूछा गया, क्या अर्थ है, मतलब क्या इसका परिभाषा पूछा जा रहा। देखिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल केमिस्ट्री अगर आप सवाल पढ़ रहे हो ना उसका एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्जांपल देते हो ना रिएक्शन वाला, तो उसमें जो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो बहुत ही मतलब इफेक्टिव होता है आपके आंसर से, और वो आपका आंसर देता है, ठीक है, मतलब अच्छा मार्क्स देता है। अब देखिए, उष्मा शोषी है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है, ऊर्जा खींचता है, वो ऊर्जा ही अवशोषित होता है, उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें जब तक उष्मा नहीं मिलेगा तब तक नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनेगा, है ना, तो ये बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, उष्मा का, देखिए यहाँ उष्मा निकल रहा था, अभिक्रिया के बाद उष्मा निकल रहा है, अभिक्रिया हो रहा, उष्मा बाहर निकल रहा, और ये पहले ही उष्मा आ रहा है तब जाके बन रहा, उष्मा का क्या हो रहा, अवशोषण हो रहा। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश वाले, है ना, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश वाला कुछ कुछ वर्ड को इंग्लिश में जो दिया था उसको भी याद रखना कि उष्मा क्षेपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन आपको नहीं लिखना है, लेकिन उसका नाम याद रखना, वो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा जब तुम आगे बढ़ोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। शोषण को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी का सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ सवाल है जो उतना नहीं पूछा था, लेकिन जो सवाल है ना वो आपके सामने मैं ला के रख दिया हूँ। देखिए, हमारे शरीर में निरंतर उपापचयी गतिविधियां होती रहती है, मतलब जो खाते हैं तो पचते रहता है ना, चबा रहे हैं, सुबह खाएं, चार बजे, दोपहर को खाएं, रात को खाएं, तो बॉडी के अंदर जो ना एक बार जब खाना खाता है तो 3-4-5 घंटा लगता है उसको पूरा पचने में, ठीक है ना, तो पचते रहता है, फिर बीच में कुछ चना फाक लिए, बिस्कुट खा लिए, है ना, तो वो भी पचेगा ना जाकर, तो हमें मतलब निरंतर लगातार जो काम होते रहता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब वो काम होगा तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा। भोजन करने के बाद हमारा पाचन तंत्र भोजन को सूक्ष्म कणों में अलग अलग कर देता है, है ना, जो हमारा पाचन तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र में जो जो पाचन तंत्र है, पचाने वाला जो तंत्र है ना, वो क्या करता है, छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब उसमें जो पोषक तत्व है, जो वसा है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, जो कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है, अलग अवशोषण हो जाता है, शरीर उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को ही शोषण कहते हैं। तो हम शोषण लेते हैं जब तक, अगर खाली सिर्फ खाना खाएं, हम सिर्फ भोजन करें, शोषण नहीं करें, आँख मुँह नाक बंद कर लें जिससे सांस लेते हैं, और सिर्फ भोजन खाएं, रोटी चावल खाएं, तो अंदर ही नहीं जा पाएगा, एनर्जी उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए शोषण बहुत ज़रूरी है, ओके। इसी को बोलते हैं शोषण, इसी विधि को बोलते हैं शोषण। अतः शोषण क्रिया के फलस्वरूप शरीर को आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्वसन क्रिया के बाद रासायनिक पोषक तत्व का विघटन होता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, इसलिए श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आपका आंसर एकदम रेडी है। आगे देखें, यहाँ पे ये आपका इंग्लिश वाला है, नोट डाउन कर लेना प्यारे इसको, ओके। चलिए छठा सवाल देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। सवाल कभी कभी पूछता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, लेकिन वियोजन और संयोजन एक दूसरे का उल्टा है, क्यों कहते हैं, उल्टा क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, और क्या बोल रहा है, समीकरण भी लिखने बोल रहा है, लिख देंगे समीकरण। देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक जो इधर होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, मतलब दो या तो से अधिक पदार्थ में टूट कर नया पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा बताना है ना, तो दो या दो से अधिक पदार्थ यानी मिल जुड़ता है और जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, और सॉरी मैं तो उल्टा बता दिया,
वियोजन जो टूटेगा, दो या दो से ज्यादा पदार्थ में एक कोई पदार्थ होगा और वो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ में बटेगा, और संयोजन जो होगा वो दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा, संयोग होगा और एक नया पदार्थ बनेगा। तो ये बोला जा रहा कि अभिकारक टूटता है, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, टूटा निर्माण किया था। टूटने वाला को बोले वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, टूट जाना। और संयोजन क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्या होता है जुड़ जाता है, अभिकारक मतलब वही हुआ जो भाग ले रहा है रासायनिक समीकरण में, वो क्या हो रहा है जुड़ जा रहा, उसको क्या बोलेंगे उत्पाद कहेंगे। यार ऐसे याद क्या करो ना, आप बोलते सर सब्जेक्टिव कैसे याद करें, जिस तरह देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसे तुम ही बताया करो, दीवार को बताओ, अपने आप को बताओ, ऐसे समझाओ ना दिमाग में छप जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको बता रहे हैं ना, हमको भी याद हो जा रहा ऐसे तो मुझे याद ही है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, गर्म किया तो इसको टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 बन गया। उसी को उल्टा देखे, कार्बन और ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया। तो ये संयोजन हो रहा है, ये वियोजन हो रहा है। ओके चलिए इसके इंग्लिश में देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया जो होता है तो ऊष्मा, ऊष्मा के थ्रू भी वियोजन होता है, प्रकाश के थ्रू भी होता है, और विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। मतलब ऊष्मा, जिस एक समीकरण लिखने बोला जा रहा है जिसमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है, ऐसे बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, तो जैसे COCH कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो एक तो ऊष्मा के थ्रू वियोजन हो रहा, ऊष्मा के थ्रू टूट रहा ना, ये ऊष्मा जाने के बाद ये क्या हो रहा, टूट रहा। अच्छा, प्रकाश के वियोजन एक प्रकाश के द्वारा भी टूटता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में अगर हम धूप में रख देंगे ना तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग। तो सिल्वर के द्वारा भी, प्रकाश के द्वारा भी देखो सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा, वियोजन हो रहा, टूट रहा। एक विद्युत के द्वारा भी होता है, जैसे जल, पानी, पानी में बिजली डाल दीजिए, पानी में विद्युत का तार डाल दीजिए ना, वायर, वायर जब पानी में वायर डाल देंगे तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो पानी भी टूट रहा। तो ये देखिए ये जो पानी टूट रहा है ये विद्युत के द्वारा वियोजन हो रहा, और ये जो सिल्वर क्लोराइड जो टूट रहा है ये प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा। ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड भी टूटता है ना ऊष्मा के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के द्वारा टूट रहा। तो याद कीजिएगा वियोजन का अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, कौन कौन होता है, एक ऊष्मा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन, इसको बोलेंगे विद्युतीय वियोजन बोलेंगे। ओके, विद्युत के द्वारा जो होता है। अब देखो यहां पे इसका मैंने इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश लवर, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, जब भी अंतर पूछा जाएगा ना दोनों का डेफिनेशन बता दीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो अब कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन दे देगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, और सब्जेक्टिव में जब देगा तो ऐसे ही देगा, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, देखते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रियाशील होगा। एक एक ज्यादा रिएक्टिव तत्व और कम रिएक्टिव तत्व को हटा देगा वहां से, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन, उसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे देखिए जिंक और कॉपर क्लोराइड, तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, तो जिंक क्या कर रहा, कॉपर को हटा दे रहा और जिंक क्लोराइड बन गया, कॉपर अलग हो गया। जैसे यहाँ पे अभी आपने पढ़ा CuSO4 है ना प्लस Fe लोहा, तो क्या बन गया, यहाँ पे लोहा जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो FeSO4 बन गया, अब प्लस Cu का होगा अलग हो गया। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया होगा, ये भी विस्थापन अभिक्रिया होगी, जो हो गया इसका उदाहरण हो गया समीकरण। यहाँ पे देख लिख दिया हूँ, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इस जो Cu कॉपर क्लोराइड से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है। सवाल कभी कभी आता है कि जिंक और कॉपर में कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो आप बता सकते हैं आसान तरीके से। अब देखो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, और करने के बाद एक नया यौगिक का निर्माण होता है, क्या होता है, एक नया यौगिक का निर्माण होता है। देखिए उदाहरण यहाँ पे क्या दे रहा, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, ओके इंग्लिश दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और एग्जांपल भी मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल। आगे देखिए क्या बोलता है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस प्रक्रिया को बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख देना, सिर्फ इसको लिख देना है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है, इस अभिक्रिया देखिए लिखा हुआ है, कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको कहा कि कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, इसलिए कहा गया सिल्वर, कॉपर सिल्वर को हटा दिया तो कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर अलग हो गया। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया होगा, बताओ ये कौन सा अभिक्रिया, जल्दी से कमेंट करना ये कौन सा अभिक्रिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका इंग्लिश मैंने कर दिया,
आ गए। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, उदाहरण के साथ बताना है, ठीक है ना। देखिए, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उसके अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब दो विलयन मिलाते हैं ना, दो विलयन, तो श्वेत रंग का एक पदार्थ निर्माण होगा उसको उसको, और वो जल में घुलता नहीं, आविलय है। इस आविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो विलयन जब मिलता है तो मिलने के बाद क्या होता है, एक अवक्षेप का निर्माण होता है, एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है, और वैसा अवक्षेप जो पानी में घुल नहीं सकता, आविलय होता है, उसको क्या बोलेंगे, और वो पदार्थ जो है जो घुलने होता है उसको बोलेंगे, जो बना व्हाइट वाला पदार्थ उसको बोलेंगे अवक्षेप, तो उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं इंग्लिश का कर दिया, आप लोग यहाँ पे इंग्लिश का नोट डाउन कर सकते हो। आगे देख क्या बोलता है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, पता नहीं कौन सा है लेकिन एक्स है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स, उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, मतलब तत्व का नाम बताना है, और उस काले रंग का जो हुआ था वो क्या हुआ था। ये देखिए, यह जो तत्व था एक्स है वो कॉपर था, क्योंकि कॉपर ही एक भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। कॉपर क्या होता है, भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग को, काले रंग का, अगर वायु में कॉपर को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यही इसका फैक्ट है कि कॉपर को जब वायु में गर्म करेंगे, ठीक है ना, वायु की उपस्थिति में कॉपर को जब गर्म करेंगे तो कॉपर का रंग क्या होगा, काला रंग हो जाएगा। हालांकि कॉपर पहले भूरा रंग का होता था, लेकिन जब जैसे वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो काला रंग का हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब काला रंग होता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लेना। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया एग्जाम में। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, जाहिर सी बात, जब पेंट करते हैं लोहे के वस्तु को तो ऊपर वाला क्या होता है, छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है। तो जब हम लोहे पे पेंट करते हैं तो वो छुप जाता है पेंट के द्वारा, तो जो एक्चुअली में जो लोहा है ना वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण होता है क्या, जंगने लगता है, है ना। इसलिए पेंट करने से पहले, पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। आप इस तरह से अपने बातों में, अपने बातों को, अपने शब्दों में इसका जाहिर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने शब्दों में आपको बताया है, नोट डाउन कर लेना इंग्लिश वाले। आगे बढ़ते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, तेल और जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन समझते हैं ना, ऑक्सीजन का योग होना और हाइड्रोजन का वियोग होना। तो जब हम इसको वायुरोधी बर्तन, मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें वायु ना जाए, तो क्या होता है, उस उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। तो उसमें नाइट्रोजन अगर डाल देंगे ना तो क्या होगा, उपचयन नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। नाइट्रोजन अगर मिला देंगे उसमें, नाइट्रोजन से प्रभावित करवाएंगे तेल या तो फिर वसायुक्त खाद्य पदार्थ हो, तो क्या होगा, उपचयन नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं, जैसे तेल वाला पैकेट वाला जो भी तेल होता है या तो वसायुक्त कोई चीज़ है ना, तो उसमें नाइट्रोजन, जैसे कि आपने चिप्स खाया होगा, चिप्स से कि जो थैली फूला होता है वो उसमें नाइट्रोजन भरता है, अगर नाइट्रोजन नहीं भरेगा ना तो वो क्या होता है, मसुआ जाएगा, वो सब खराब हो जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चिप्स से देखते हैं जो कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ से कहाँ से आते आते आपके पास आते आते 10-15 दिन लग जाता है ना, जब खरीदते खरीदते लग जाता है, लेकिन फिर भी चिप्स फाड़ के खाते हैं तो एकदम पूरा मुचमुच करता है। लेकिन वही फटा हुआ चिप्स को आप थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो उसका मुचमुचाहट जो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें मिल गया। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन करता क्या, उसको बरकरार रखता है, उसकी क्वालिटी को बरकरार रखता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग नहीं होने देता है। उपचयन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होने नहीं देता, ऑक्सीजन का मिलने नहीं देता उसमें, इसीलिए ऐसा होता है। समझ आ गया ना, क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि आप सिंपल बता सकते हैं, क्योंकि जो जो तेल है या खाद्य पदार्थ है उसको वायुरोधी, जिस बर्तन में हवा नहीं उसमें, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए, ठीक है ना। लेकिन उसमें अगर नाइट्रोजन मिला देंगे तो नाइट्रोजन क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को, उसकी कठोरता को, उसकी मुचमुचाहट जो है उसको बरकरार रखेगा। ओके, समझ आ गया। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। देखिए, जब धातुओं का संपर्क वायु या नमी से होता है, जब धातु को लोहा है ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा तो उसको नमी होता है, तो उसकी सतह पर एक अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड आदि बन जाता है। आप लोहा को वायु में छोड़ दीजिए, देखिए उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा, है ना। तो ये सब जो है ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड बन जाता है, तो इससे क्या होगा, इसको बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे, लोहा का संक्षारण हो रहा, मतलब संक्षारण मतलब बर्बाद हो रहा, लोहा खत्म हो रहा, संक्षारण हो रहा,
ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण क्या, लोहे पर जंग लगना ये क्या है, संक्षारण है। चांदी का काला पड़ना, देखेंगे अक्सर घर में जो चांदी वगैरह रहता है तो चांदी काला पड़ जाता है और जाके सोनार के यहाँ जाके उसको फिर साफ करवाते हैं। एक्चुअली होता है कि चांदी जो है वायु से रिएक्शन करता है और वायु से रिएक्शन करने के बाद चांदी का कलर काला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वायु के संपर्क में आएगा तो हो गई होगा। और क्या, कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग का परत जम जाता है। आपके घर में कॉपर या पीतल की बर्तन होगा तो देखिएगा वायु में खुला रहेगा तो उसे हरा हरा कलर का जम जाएगा उस पर। तो ये उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या है, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होता है। मतलब वसा और तेल वाला पदार्थ है ना, होता क्या उपचयन की क्रिया हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें आके मिल जाता है तो अरुचिकर के मतलब हुआ जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, और वो गंध है ना स्वाद एक मतलब, और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत मतलब अरुचिक गंध है, मतलब एक अजब तरीके से गंध आता है, अजब तरीके से स्वाद आता है, तो उसको बोलेंगे आप विकृत गंधिता बोलेंगे। यानी कि कोई वसा वाला पदार्थ हो, कोई तेल वाला पदार्थ हो, जब वो उपचयन की क्रिया होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन की क्रिया हो तो मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे जाके मिलता है तो उसमें होता क्या कि उसका जो स्वाद हो या गंध हो ना, स्मेल बदल जाएगा। गंध आपने देखा घर में गर्मी के दिनों में सब्जी रख दीजिए, देखिए खट्टा हो जाएगा है ना जी। रात में पकाएं सब्जी, अगर झाप के या खुला छोड़ दीजिएगा तो भाई गया है ना। तो उसको फ्रिज में रखते हैं हम लोग, ताकि वो फ्रिज में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन का योग ना हो उसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे हमारा हो गया समाप्त। मैंने यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन बताया है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट से। उम्मीद है कि ये सभी सवाल आप लिख लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो, याद नहीं तो लिख लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF वगैरह लेना है तो मैं नंबर दे रहा हूँ 8210 42 32 00, इस पे व्हाट्सएप के थ्रू से व्हाट्सएप पेमेंट करके आप नंबर ले सकते हो। नहीं तो आप प्ले स्टोर से AA ऑनलाइन सॉल्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाकर के आप सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF प्रोवाइड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। नीचे कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, और कितना सवाल आपने याद किया था वो भी मुझे बता देना। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। बाय।